हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं बिल्कुल झटपट आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रियंका डीसीवी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पे 2 आलू लिया है, जिसको हमने अच्छे से इसका छिलका उतार लिया है, धो लिया है और इसके बाद हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने के लिए हमने ग्रेटर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हम सारे आलू को कद्दूकस किए हुए को एक बाउल में निकाल लेते हैं खाली और चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गरम किया है, सरसों का ऑयल है ये, और इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा जैसे ही चटकेगा हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने 2 कप भर के पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने 2 आलू का इस्तेमाल किया था, तो हमने कप के अनुसार से हमने यहाँ पे 2 कप पानी डाला हुआ है। हम इसे आप मानिए तो हमने 250 ग्राम पानी डाला हुआ है और इसमें जैसे ही पानी में हल्का उबाल आएगा हम तुरंत इसमें आलू डाल देंगे। और आलू को डालने के बाद हमें आलू को पकाना है, तो आलू में हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि उसमें स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल कर देते हैं, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। और इसके बाद आलू को हम अच्छे से पकाएंगे। जब बिल्कुल हमारा आलू पक जाएगा उसके बाद इसमें हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है गाइस, आप यकीन नहीं मानिएगा, एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सूजी लिए हैं और एक हाथ से चलाते रहेंगे और धीरे धीरे सूजी को डालते रहेंगे और सूजी को भी पका लेंगे। हमें ये सब करने में 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। और ये देखिए, हमारा सूजी जो है बिल्कुल पक गया है, आलू में मिक्स हो गया अच्छे से। आपको देख के ये लग नहीं रहा होगा कि हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया था। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे पका लेंगे, एकदम आटा की तरह इसे एकदम सूखा कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें कट करना है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सबको पसंद आएगा। तो हमने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है, पक गया है। और यहाँ पे हमने एक ट्रे लिया है जिसमें हम अपना मिश्रण निकाल देते हैं आलू और सूजी का, और इसको हाथ थोड़ा जल रहा है क्योंकि ये भी गर्म है, इसीलिए हम इसको करछी की सहायता से ही फैला रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इसको अच्छे से सेट कर लिए हैं और ऊपर से थोड़ा इसको हम प्रेस कर दे रहे हैं, चिकना कर दे रहे हैं। और इसके बाद हम इसे कट करेंगे चाकू की सहायता से। तो थोड़े देर तक इसको 5 मिनट तक रहने देते हैं रेस्ट पे, ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसे हम कट करेंगे। और गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आने वाला ये नाश्ता है, और बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो यहाँ पे देखिए, हम चाकू से इसे कट कर लेते हैं और आप इसे मन चाहे शेप दे सकते हैं। आपका मन है तो चौकोर शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में इसे कट कर सकते हैं। और इसे हमें कट करने के बाद इसे हमें तलना है, हम इसे तलेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से ये हमारा बनता है नाश्ता। और ये देखिए, हम ऐसे कट करने के बाद इसमें हम फिर से एक निशान लगा दिए हैं, आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो हमने देखिए सारा कट करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे हम तलने के लिए तेल लिए हैं, रिफाइंड ऑयल का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, और आप चाहते हैं तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किए हैं। और तेल हमारा बिल्कुल धुएंदार गर्म होना चाहिए, और जैसे ही तेल हमारा धुएंदार गर्म होगा हम आँच को एकदम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। और मीडियम आँच करके जितना हमारे कढ़ाई में स्पेस रहेगा हम एक एक करके सारा अपना डाल देंगे। और इसके बाद इसको जैसे ही हल्का एक साइड से ये पकेगा हम दूसरी साइड इसको पलटी कर देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल इसका कलर चेंज करना है। और बहुत ही कुरकुरा इसका नाश्ता बनता है, जब इसे टेस्ट करिएगा ना, बिल्कुल इसका एक अलग ही फील आता है, आप इसे देख के सोच नहीं सकते हैं। आपको टेस्ट करने के बाद ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये आलू और सूजी से नाश्ता बना के तैयार किया हुआ है गाइस। तो इसीलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, हमने मेरा सारा जो है ये आलू का बन के तैयार हो गया, इसे हम निकाल देते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमें सारा बना के अपना तैयार कर लेंगे। और इसे बनाने में हमें लगा है 4 मिनट का समय, क्योंकि हमने आँच को हाई रखा था फिर बिल्कुल मीडियम कर दिया था, 4 मिनट में हमारा पक के तैयार हो गया था। और बाकी का बचा हुआ भी हम सब इसमें डाल लेते हैं। तो गाइस, इसीलिए आप सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर से जरूर प्रियंका डीसीबी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ऐसी अच्छी अच्छी कुकिंग का वीडियो देखने के लिए और रिव्यू वीडियो देखने के लिए। तो हम इसको भी डाल के अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए, हमारा जो आलू और सूजी का टेस्टी नाश्ता है घर पे झटपट बन के तैयार हो गया। आप इसे चाय के साथ खाइए, ऐसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सॉस के साथ खाइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।